गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे और लास्ट में मिरर फॉर्मूले और मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उनको देखेंगे। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं लाइट के तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉनवेक्स, फिर हम फर्दर बात करेंगे। बच्चों यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, बच्चों कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? आपने देखा होगा कॉनकेव का पर्पज होता है लाइट को कन्वर्स करना, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये जनरली सर्च लाइट में यूज होता है। इट इज यूज इन सर्च लाइट, सर्च लाइट में यूज होता है। क्या करता है ये, जो भी रे आती है उनको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है ऐसे। ये कॉनकेव मिरर है, यहां पे आपके लाइट का बल्ब होगा, जैसे ये टॉर्च है, इस टॉर्च में, ये टॉर्च में आगे लगा देते हैं ऐसे और यहां पे लाइट का बल्ब होगा। तो जो भी लाइट पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो एक पॉइंट फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी ऐसे। तो जैसे हम टॉर्च को यूज करते हैं तो उसमें बल्ब, यहां पे बल्ब होगा आपका, कहीं यहां बल्ब होगा, बल्ब से जो लाइट जाएगी पैरेलल, ये कॉनकेव मिरर है और यहां बल्ब होगा, बल्ब से लाइट जाएगी पैरेलल तो वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो सर्च लाइट का मतलब यही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो। तो सर्च लाइट या टॉर्च लाइट में यूज करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट यूज। सेकंड बच्चों, ऐसे ही आपने सोलर कुकर देखा होगा, सोलर कुकर में प्लेन मिरर भी यूज होता है और कॉनकेव मिरर भी यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो सोलर कुकर में भी यही होता है कि हम ऐसे लगाते हैं मिरर को कि सन की जो भी रेडिएशन आती है वो एक पॉइंट पे फोकस होती है, उस पॉइंट का नाम हम जानते हैं प्रिंसिपल फोकस होता है। तो जो भी हमारे खाने बनाने की चीजें हैं उनको फोकस पे फिट कर देते हैं, तो जो भी लाइट आएगी वो फोकस पे जाएगी तो खाना आपका जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो सोलर कुकर में भी यूज होता है। इट इज यूज इन सोलर कुकर। तो आपका जो कॉनकेव मिरर है बच्चों, ये सोलर कुकर में भी ऐसे ही फंक्शन करता है जैसे ये सर्च लाइट में फंक्शन करता है। फिर आपने देखा होगा डेंटिस्ट भी इसका यूज करता है। इट इज यूज बाय डेंटिस्ट, इट इज यूज बाय डेंटिस्ट, ये डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है। डेंटिस्ट क्यों यूज करता है, कोई भी आपका टीथ खराब हो जाता है तो कॉनकेव मिरर में देखता है वो। कॉनकेव मिरर की खास बात है, आपको पता है ना, कॉनकेव मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट को बच्चों पी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसकी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनती है। तो वो आपके टीथ को क्या करता है, पी और एफ के बीच में लोकेट करता है। जैसे आपका टीथ पी और एफ के बीच में आ जाएगा तो उसकी बड़ी इमेज दिखेगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा इरेक्ट इमेज दिखेगी, सीधी इमेज दिखेगी, ताकि उसको टीथ के साथ कोई कुछ भी करना हो, कोई भी दवा लगानी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, उल्टा दिखेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा डॉक्टर से। इसलिए डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है आप मुझे बता सकते हैं? जैसे कभी आपने मेकअप करवाया है, बॉयज लोग तो कभी करवाते हैं लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनको मेकअप का बड़ा शौक होता है, नहीं तो वो मेकअप रूम में आपने देखा होगा
इट इज यूज इन मेकअप रूम। जनरली जो मूवी की शूटिंग होती है, सीरियल की शूटिंग होती है, उनमें जो मेकअप रूम होते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर लगे होते हैं। कॉनकेव मिरर की यही प्रॉपर्टी यूज की जाती है कि आपका जो फेस है वो पी और एफ के बीच में लोकेट किया जाता है और आपके फेस की बड़ी इमेज बन जाएगी। पता है ना, कॉनकेव मिरर में जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। तो ये भी एक पर्पज होता है। तो आपका फेस क्लियर दिखेगा, बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा, और आपके फेस में कोई भी पिंपल्स हुए, कोई भी दाग धब्बे कुछ भी हुए, तो जो मेकअप करने वाला है वो उनको प्रॉपर देख सक पाएगा और उनको प्रॉपर रिमूव कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेकअप रूम में भी यूज होता है। और आपने देखा होगा टेलीस्कोप आता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। इट इज यूज इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी कॉनकेव मिरर का बच्चों यूज होता है। और यूज बताओ, कॉनकेव मिरर कहाँ होता है? एक दो अपनी तरफ से भी आप गैस कर सकते हैं कि सर हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर देखा है। तो कॉनकेव मिरर सर्च लाइट में हो गया, ये व्हीकल की हेडलाइट में भी यूज होता है। वही सर्च लाइट वाला काम करेगा व्हीकल की हेडलाइट में भी। इट इज यूज इन व्हीकल्स हेडलाइट। व्हीकल की हेडलाइट में भी यूज होता है। यही वाला फंक्शन हो जाएगा जो सर्च लाइट का है, ताकि रेडिएशन एक पॉइंट पे फोकस हो या बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो ये बच्चे हो कॉनकेव मिरर के यूजेज हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा होगा, शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं तो बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, या आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा या मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, वहां कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। इट इज यूज इन शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशंस एंड मेट्रो स्टेशंस। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, आप मेट्रो में सफर किया होगा तो मेट्रो में भी देखा होगा, वहां भी स्टेशंस के ऊपर लगे होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वहां यूज करने का फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, ये दूर तक के ऑब्जेक्ट को दिखा देता है, और दूसरा फायदा ये है, ये छोटी इमेज बनाता है और सीधी बनाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई दे सकते हैं उसमें, और कई दूर तक दिखाता है ये। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट यूज है, जो आपकी बाइक है, स्कूटी है, कार है, इनके साइड के जो मिरर होते हैं बच्चों, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। वहां पे कॉन्वेक्स मिरर लगाने का भी यही पर्पज है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइड होता है, काफी दूर तक दिखाता है। और दूसरा फायदा ये है, ये सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट। ये नहीं है पीछे ट्रक आ रहा है उल्टा दिखेगा, ऐसा नहीं है, ट्रक जैसा है वैसे ही दिखेगा और वो काफी दूर से ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, इट इज यूज टू सी रियर व्यू। इट इज यूज टू सी रियर व्यू, रीजन भी लिख रहा हूं, बिकॉज इट हैव वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड फॉर्म इरेक्ट इमेज। ये रीजन दोनों में चल चल जाएगा कि रेलवे स्टेशन पे यूज क्यों करते हैं, शॉपिंग मॉल में क्यों यूज करते हैं, तो यही रीजन लिख देना, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइड है,
काफी दूर तक का दिखा देता है। फील्ड ऑफ व्यू वाइड क्यों है? क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू तो ये है, इसका रेंज केवल इतना है। इसका रेंज अगर आप गैस करोगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो भी लाइट आएगी बच्चों, ये ऐसे, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना हो गया। इतने रीजन में आपको लाइट मिलने वाली है और यहां से केवल इतने रीजन में लाइट मिलेगी, तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो ज्यादा एरिया में लाइट जाती है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉनकेव मिरर में कम एरिया में स्प्रेड होती है, ठीक है। यही मेन रीजन है कि हम इसको व्हीकल में साइड मिरर के तौर पे यूज करते हैं। और तो कोई अब आपको डाउट नहीं बचा है? मेन डाउट यही है। अब एक बात और है, हम कॉनकेव मिरर को मैजिक मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर आल्सो नोन एज मैजिक मिरर, इसको मैजिक मिरर बोलते हैं। मैजिक मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉनकेव मिरर में आपने रे डायग्राम में देखा होगा, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, स्मॉल इन साइज भी बनाता है, लार्ज इन साइज भी बनाता है, और ये वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, सेम साइज की भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर जो बच्चों होता है वो हर तरह की इमेज फॉर्म करता है, छोटी बड़ी, सीधी उल्टी, सेम साइज, मैग्निफाइड, डिमनिश्ड, तो इसमें सारी क्वालिटी है कॉनकेव मिरर में, इसलिए इसको मैजिक मिरर भी बोलते हैं। पी और एफ के बीच में चले जाओगे तो इधर इमेज बन जाएगी, एफ और सी के बीच में चले जाओगे तो यहाँ बड़ी इमेज बन जाएगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में चले जाएंगे तो यहाँ छोटी इमेज बन जाएगी, सी पे ही खड़े हो जाएंगे सेम साइज की इमेज बन जाएगी, तो इसको मैजिक मिरर भी बोलते हैं। अब सवाल आ गया, प्लेन मिरर के यूज कहाँ होते हैं? प्लेन मिरर, तो बच्चों बताओ प्लेन मिरर के यूज कहाँ है? सबसे मेन यूज है हमारे हाउसेस के अंदर होता है। आप मॉर्निंग में उठते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो उठने के बाद मिरर ना देखता हो, तो वो जो मिरर होता है हमारे घरों के अंदर बच्चों, वो प्लेन मिरर ही होता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है, एक साइड से पॉलिश होती है। इट इज यूज इन हाउसेस। और बच्चों प्लेन मिरर हाउस में यूज होता है। एक आपने देखा होगा पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप देखा है ना, कि अगर आपकी हाइट कम है और वॉल के उस साइड देखना हो तो पेरिस्कोप का यूज करते हैं, तो उसमें भी प्लेन मिरर ही यूज होता है, इन पेरिस्कोप। एक ऐसे क्लाइडोस्कोप भी आता है, आपने कभी साइंस एग्जीबिशन में बनाया भी होगा कि उसमें छोटे छोटे प्लेन मिरर लगे होते हैं और बहुत सारी इमेज दिखती हैं, क्लाइडोस्कोप में भी, तो पेरिस्कोप में भी यूज होता है, इन क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप में भी यूज होता है, तो ये हाउसेस में यूज होता है, पेरिस्कोप में यूज होता है, क्लाइडोस्कोप में यूज होता है प्लेन मिरर। तो ये आपके यूजेस हैं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि समथिंग इज लेफ्ट। कॉन्वेक्स मिरर के कोई और यूज आपके माइंड में आ रहे हो तो कॉनकेव मिरर के यूज हो गए, कॉन्वेक्स मिरर के यूज हो गए, प्लेन मिरर के यूज हो गए। कॉन्वेक्स मिरर ऐसी बात नहीं है, ये आपका जैसे स्ट्रीट लाइट में भी यूज होता है। स्ट्रीट लाइट में क्या करोगे, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें लाइट को कन्वर्ज करोगे किसी एक घर के ऊपर। स्ट्रीट लाइट का मतलब वो पूरी कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में लाइट फैल जाए, यही टारगेट होगा। स्ट्रीट लाइट अगर किसी एक घर पे फोकस करेगी तो बाकी घर वाले उसको तोड़ देंगे, नहीं? तो ये स्ट्रीट लाइट में भी होता है लाइट को डाइवर्स करने के लिए, तो इसका थर्ड यूज हो जाएगा, इन स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो सिक्स यूजेज इसके हैं, थ्री यूजेज मैंने इसके बताए हैं और थ्री यूजेज मैंने प्लेन मिरर के बताए हैं। तो आपको प्लेन मिरर, ये मिरर क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम मिरर फॉर्मूला, ठीक है।
मिरर फॉर्मूला, या बच्चों इसको हम मिरर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, देखो मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन क्या है, ये बच्चों कॉनकेव मिरर है पी, फोकस सी, दिस इज द योर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज एफ फोकल लेंथ। जो मिरर फॉर्मूला है बच्चों, ये रिलेशन है फोकल लेंथ में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है और इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना है, तो इनमें रिलेशन है। तो जो मिरर फॉर्मूला है ये है वन बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी, ये है मिरर फॉर्मूला। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है। यू क्या है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज है ए डैश बी डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से जो होगा वो यू होगा और इमेज का डिस्टेंस जो पोल से होगा वो वी होगा। जब बच्चों हम सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, जो स्मॉल इन साइज होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। तो पी ओ यू होगा और पी, ऐसे समझ लो पी बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होगा और पी बी डैश क्या होगा, वी होगा। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, राइट। अब बच्चों इन पे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशन की भी जरूरत पड़ती है, तो साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें बच्चों 100% मिस्टेक कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या होंगी, फर्स्ट तो ये है जितना भी डिस्टेंस आपको लेना है वो पोल से लेंगे, कभी भी हम एफ पी नहीं बोलेंगे, पी एफ बोलेंगे, सी पी नहीं बोलेंगे, पी सी बोलेंगे, बी पी नहीं बोलेंगे, पी बी बोलेंगे। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, फर्स्ट ये है ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, जितने भी डिस्टेंस है बच्चों इनको पी से मेजर करना है, मतलब कि स्टार्ट पी से करना है। फॉर एग्जाम्पल पी एफ पी सी पी बी डैश पी बी लाइक दिस। सेकेंड पॉइंट ये है जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे ऐसे होगा, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है तो मिरर पे लाइट कैसे इंसिडेंट करेगी, ऐसे। तो अगर आपका डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव। अब जैसे मैं बात करूं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बच्चों क्या होगा, पी एफ होगा, इसके अपोजिट हो गया तो आपको माइनस एफ लेना है। पी सी हो गया, वो भी इधर है, इसके अपोजिट है, तो पी सी आपको पता है पी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर, तो वो माइनस आर होगा। द डिस्टेंस इज
इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन आर पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो ध्यान रखना, जब इंसिडेंट रे ऐसे हो और डिस्टेंस हम पोल से ऐसे मेजर कर रहे हैं पी एफ पी सी पी बी, तो इसमें कहने का मतलब है कॉनकेव मिरर में सभी डिस्टेंसेस क्या हैं? नेगेटिव। इस फिगर के लिए द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस है उसको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, जो भी डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो साइन कन्वेंशन इतना समझ आ गया। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं हाइट से रिलेटेड। जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है उसको नेगेटिव लेंगे। द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन इसमें होंगे। फर्स्ट ये है सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है और जो भी इंसिडेंट रे होगी। अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सर इंसिडेंट रे को देखेंगे कैसे? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है इंसिडेंट रे जो मिरर की साइड जाएगी और डिस्टेंस आपको पी से मेजर करना है। फिर देख लेना इंसिडेंट रे इधर है, डिस्टेंस पी से मेजर करेंगे तो पी एफ इधर होगा, पी बी डैश इधर होगा, पी सी इधर होगा, पी बी इधर होगा, तो ये सब नेगेटिव होंगे। और जो हाइट ऊपर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के उसको पॉजिटिव लेंगे न्यूमेरिकल में और जो नीचे होगी उसको नेगेटिव लेंगे। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल में मिस्टेक होगी। तो आपको ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं मैग्नीफिकेशन, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। मैग्नीफिकेशन एम, देखो जो मैग्नीफिकेशन होता है ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मैग्नीफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि मिरर ने ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई किया है, ठीक है? तो इसमें आप लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या देखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ दी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इन दोनों हाइट का जो रेशियो है वो मैग्नीफिकेशन होगा। तो एम क्या होगा आपका? मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट जैसे एच डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट को मान लेते हैं एच, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका मैग्नीफिकेशन होगा। और मिरर में ये वैल्यू माइनस वी बाई यू के इक्वल भी होती है। इसका प्रूफ मैं आपको ट्वेल्थ में अच्छे से क्लियर करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रूफ समझने में प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ पे इसको ऐसे ही डायरेक्ट ध्यान रखें। तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वी बाई यू भी होता है। वी क्या है? इमेज का डिस्टेंस है पी से, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पी से।
तो ये मैग्निफिकेशन है। अब कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपकी रियल इमेज है तो एम आपको नेगेटिव लेना है न्यूमेरिकल में। अगर एम नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना रियल इमेज बनेगी, या अगर रियल इमेज गिवन है एम का वैल्यू गिवन है तो नेगेटिव लेंगे। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, ये ध्यान रखना। एम इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रियल इमेज में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज नीचे बनती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, तो एम का वैल्यू माइनस आ जाएगा। और वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर बनता है, इमेज भी ऊपर बनती है, इसलिए दोनों का रेशियो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए वर्चुअल इमेज के लिए एम पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए एम नेगेटिव। दो बातें और ध्यान देनी है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है और पीएफ इधर है, तो यह भी ध्यान रखना, नोट डाल के लिख देता हूं। कॉनकेव मिरर में जब भी आपको गिवन हो कॉनकेव मिरर तो एफ आपको नेगेटिव लेना है, और कॉनवेक्स मिरर हो तो एफ पॉजिटिव लेना है। इन कॉनकेव मिरर एफ इज नेगेटिव, इन कॉनवेक्स मिरर एफ इज पॉजिटिव। इन चीजों को समझ लो, कॉनकेव मिरर आपके सामने है, कॉनवेक्स मिरर ये देखो, इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये पी होगा, ये एफ, ऑब्जेक्ट यहां होगा बच्चों, इंसिडेंट रे ऐसे, और पी से एफ ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस पी से मेजर करेंगे तो पी एफ ये आपका फोकल लेंथ है, तो पी एफ भी इधर है, इंसिडेंट रे भी इधर है, तो कॉनवेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब जो भी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी उनको साइन के साथ यूज करना है, और इन्हीं साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उनसे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं यहां से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ए कॉनवेक्स मिरर यूज फॉर ए कॉनवेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। तो बेटा आपको एक कॉनवेक्स मिरर दे रखा है, ऑटोमोबाइल में कॉनवेक्स मिरर यूज हो रहा है, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, इसका रेडियस दे रखा है आपको 3 मीटर, ठीक है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर पे एक बस है, यहां पे बस है, ऑब्जेक्ट हो गया ये 5 मीटर पे, ये यू हो जाएगा। मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पे एक बस है, तो बस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फाइंड दी पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, पोजिशन मीन्स इमेज कहाँ बनेगी वी कैलकुलेट करना है, नेचर का मतलब रियल होगी या वर्चुअल होगी, और साइज का मतलब छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मिरर है कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर में आपको पता है फोकल लेंथ रेडियस पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये एफ होगा यहाँ पे और यहाँ पे सी होगा, डिस्टेंस पी से सी इधर होगा जो आर होगा, इंसिडेंट रे भी ऐसे ही जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों जो एफ होगा मिरर में, जो एफ होता है वो आर बाय टू होगा, पॉजिटिव होगा तो 3/2 मीटर हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट से मिरर की साइड लाइट ऐसे जाएगी, और P से F का डिस्टेंस भी इधर है, ये आपका F है, ये ठीक है, F आ गया,
यू आप कैसे मेजर करेंगे? पी से मेजर करेंगे। पी से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर होगा और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, बोलो, तो यू नेगेटिव होगा -5 मीटर। अब बच्चों मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो यूज कर लो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस में 1/v। एफ का वैल्यू कितना है? 3/2। या 3/2 पुट करूंगा तो 2/3 हो जाएगा। u का वैल्यू -5 v, 2/3, ये 1 इधर आ जाएगा, 1/v, एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है, 5 10, और ये 3, तो ये 13/15 आ जाएगा, 1/v, वी का वैल्यू 15/13 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वी का वैल्यू आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 1.15 मीटर। डिवाइड करेंगे तो 1 पे चला जाएगा, 2 आएगा, फिर 1 पे चला जाएगा, फिर 7 आएंगे, 5 पे चला जाएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू आ गया प्लस। अब v पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे इधर है तो इमेज इसी की डायरेक्शन में बनेगी, तो इमेज आपकी बेटा फोकल लेंथ कितना है? 1.5 मीटर, और यह है 1.15, मतलब कि इमेज यहां कहीं बनेगी, ये आपकी इमेज बनेगी, ये v होगा। पॉजिटिव का मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो आपको कंफर्म हो गया कि वर्चुअल इमेज उस साइड इमेज बनने वाली है। तो ये कैलकुलेट हो गया पोजीशन। अब आपको बात करना है नेचर का, तो m कैलकुलेट कर लो। m आपको बता देगा, m होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -v/u। v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू ये पुट कर लो, ये पॉइंट में ये इजी रहेगा, 15/13, और u का वैल्यू कितना है? -5। साइन के साथ वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3/13। तो m कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया, 0.30 पे कितना जाएगा? 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। तो m का वैल्यू क्या आ गया? एम पॉजिटिव आ गया, तो एम पॉजिटिव आने का मतलब है वर्चुअल इमेज कंफर्म हो गया, वर्चुअल इमेज। एम का वैल्यू <1 है, इसका मतलब छोटी इमेज बनेगी। एम अगर 1 आ जाए तो समझ लेना सेम साइज की बनेगी, एम <1 आ जाए तो समझ लेना मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो इमेज 0.23 फैक्टर से लेस बनेगी, तो वर्चुअल इमेज होगी। ये पोजीशन हो गया, ये नेचर हो गया, कैसी बनेगी, और साइज की बात करें तो आपकी डिमनिस बनेगी, डिमनिस बनेगी 0.23 फैक्टर लेस देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज का इतना परसेंट बनेगी 0.23। तो ऐसे आपको क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर एक भी साइन आप मिस कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे बच्चों। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ और वो आपकी स्क्रीन पे भी होगा। एन ऑब्जेक्ट 4 मीटर इन साइज इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आपको दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है,
यू का डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा बेटा, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी और पी से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं है ए बी, ये यू है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंसिडेंट रे ऐसे होगी और पी बी का डिस्टेंस ऐसे होगा, पी एफ का डिस्टेंस भी ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है ना? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंसिडेंट रे इधर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी एफ इधर होगा, और जो आपका फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगा पी एफ, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा वो माइनस होगा। इतनी सी बात है। इंसिडेंट रे कहाँ से स्टार्ट होगी? ऑब्जेक्ट से, और डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होंगे? पी से। तो एच आ गया, यू आ गया, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 हो जाएगा कॉनकेव मिरर में। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज? तो कह रहा है स्क्रीन को कहाँ रखें कि शार्प इमेज बने, तो आपको वी निकालना है, जहाँ पे इमेज बनती है वहीं स्क्रीन रखेंगे। तो एक तो पोजिशन निकालना है, फाइंड दी नेचर एंड साइज, तो वही चीज़ें निकालनी है, पोजिशन नेचर साइज। तो आ जाओ बच्चों, 1/f, 1/u, 1/v। एफ का वैल्यू कितना है? -15, यू का वैल्यू -25। वी कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले आओ, -1/15 +1/25 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी से। एलसीएम 150 ले लें, सही रहेगा, ये 10 पे चला जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4, 1/50, 1/v, वी आ जाएगा -1/50/4 सेंटीमीटर। 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 75/2 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो ये तो आ गया पोजीशन कि इमेज कहाँ बनने वाला है, दिस इज योर पोजीशन। ठीक है, अब हमें निकालना है नेचर, नेचर का आइडिया लगेगा एन से। एम क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -v/u, ये भी फॉर्मूला है। तो एक बार m कैलकुलेट कर लेते हैं, m कितना आ जाएगा? माइनस, v का वैल्यू कितना है? v को 75/2 ले लेते हैं, ये सही रहेगा, v आ गया -75/2, और u कितना है? -25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 25 से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? -3/2, -1.5। एम का वैल्यू आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब है रियल इमेज, एम का मतलब है रियल इमेज। ठीक है, और एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है, एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, और वो कितने साइज की बनेगी निकाल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है। तो एम का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -3/2। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है? 4। ऑब्जेक्ट ऊपर है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, -3/2, 4 उधर चला जाएगा, यह ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट बेटा 6 सेंटीमीटर होगी, ऐसे ए डैश बी डैश, ये 4 सेंटीमीटर है। आपको भी पता है ये 15 है, तो ये भी 15 होगा क्योंकि 30 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा ना डबल,
तो 25 सेंटीमीटर सी और एफ के बीच में होगा, तो आपको पता है सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। तो जो रे डायग्राम में मैंने बताया है सब वो सेटिस्फाई हो रहा है, एक एक चीजें बच्चों सेटिस्फाई हो रही है। तो पोजीशन का मतलब वी कैलकुलेट करना है, नेचर का मतलब एम देखना है, प्लस है या माइनस, प्लस है तो वर्चुअल इमेज, माइनस है तो रियल इमेज। फिर साइज पता करना है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा हो तो इमेज की हाइट निकाल देंगे, अगर ऑब्जेक्ट का साइज गिवन नहीं है तो एम की वैल्यू से ही बता देंगे कि मैग्नीफाइड होगा, सेम इन साइज होगा या डिमनिश इमेज होगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको शेयर करें। थैंक यू।